नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने BHU या CAG प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे, क्योंकि वीडियो की साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है, अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसकी वजह से 2 से 3 भागों में इसको डिवाइड करके वीडियो बना रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सिकम एनम इज ए रिच सोर्स ऑफ। कैप्सिकम एनम अर्थात मिर्च जो होता है वो किसका रिच सोर्स है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, ये 4 ऑप्शन पूछे गए थे BHU MSCAG एंट्रेंस एग्जाम 2009 में। तो कैप्सिकम एनम जो होता है रिच सोर्स होता है वो विटामिन सी का है, तो इसका जो सही आंसर था ये विटामिन सी था। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया, 53 क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड ए क्वीन ऑफ स्पाइस, अर्थात क्वीन ऑफ स्पाइस अर्थात जो आपकी मसालों की रानी किसे बोला जाता है, स्पाइस मसाला, तो मसालों की रानी किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वीन ऑफ स्पाइस। तो इसमें आपका टर्मेरिक दिया है, पेपर दिया है, क्यूमिन दिया है और कार्डमम दिया है, तो कार्डमम जो होता है वो आपका क्वीन ऑफ स्पाइस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोनॉमिक पार्ट ऑफ एलोवेरा, अर्थात एलोवेरा आप देखते होंगे काफ़ी लोग यूज करते हैं एलोवेरा का, आयुर्वेदिक में इसका काफ़ी यूज होता है, तो ये काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका रखता है, तो इसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? अब अगर किसी के पास एलोवेरा खेती होगी या उसके आसपास वो लगाया होगा तो उसको मालूम होगा कि एलोवेरा के कौन सा पार्ट यूज होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, रूट, लीफ, स्टिग्मा, फ्रूट। तो लीफ जो होता है एलोवेरा का लीफ, ये फ्रेश करने के काम आता है, सब फेस पे लगाते हैं, तो एलोवेरा का जो होता है वो लीफ है। इसके बाद पेरिनियल क्राइसेंथिमम इज कॉमर्शियली प्रिपेचोल्ड थ्रू, अर्थात क्या नाम का प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है क्राइसेंथिमम का, जो पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय क्राइसेंथिमम होती है, तो क्राइसेंथिमम सबसे पहले ये तो है, क्राइसेंथिमम जो होता है वो क्या नाम का आपका एक क्विक नॉकडाउन इफेक्ट होता है, ये इंसेक्टिसाइड क्राइसेंथिमम से बनाया जाता है, पायरेथ्रिन, पायरेथ्रिन जो होता है वो आपका क्राइसेंथिमम से बनाया जाता है। तो इसको किसके द्वारा किया जा सकता है? सीड, सॉफ्ट वुड कटिंग, सेमी हार्ड वुड कटिंग एंड हर्बेसियस कटिंग। तो पेरिनियल क्राइसेंथिमम की जो होगा प्रोपोगेशन वो आपका हर्बेसियस कटिंग से होगा, इसका सही आंसर हर्बेसियस कटिंग है। उसके बाद बुल हेड इज ए डिसऑर्डर, काफ़ी फेमस डिसऑर्डर है और ये पूछा गया था कि ग्लैडियोलस, ट्यूलिप, ट्यूबरोज या रोज, किसका है बुल हेड? तो बुल हेड जो होता है वो आपका रोज का है, बुल हेड रोज का डिसऑर्डर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, घेरकिंग इज ए मालवेसियस क्रॉप, सोलेनेसियस क्रॉप, कुकुरबिटेसियस क्रॉप और ग्रेमिनेसियस क्रॉप। तो घेरकिंग जो होता है वो ये वेजिटेबल क्रॉप है, ये क्या है आपकी वेजिटेबल क्रॉप है और ये कुकुरबिटेसी फैमिली की है, सबसे बड़ी फैमिली कुकुरबिटेसी फैमिली, तो कुकुरबिटेसी फैमिली का ये अंतर्गत घेरकिंग आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था BHU MSCAG एंट्रेंस एग्जाम 2009 में, ये BHU MSCAG 2009 का पेपर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हॉफेट स्टैंड फॉर, तो हॉलैंड फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट, क्वेश्चन काफ़ी क्लियर नहीं है। उसके बाद रजनी रेखा, रजत रेखा इज ए वैरायटी ऑफ, रजत रेखा किसकी वैरायटी है? तो मेरीगोल्ड हुआ, ट्यूबरोज हुआ, जैस्मिन हुआ, कार्नेशन हुआ, तो ट्यूबरोज है, रजत रेखा जो वैरायटी है वो आपकी ट्यूबरोज की है, काफ़ी फेमस वैरायटी है, BHU की एग्जाम में पूछा गया, थर्ड कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। उसके अलावा वुड एप्पल, साइंटिफिक नेम ऑफ वुड एप्पल, अब तो एप्पल का नाम सुने हैं लेकिन वुड एप्पल यहाँ दे दिया है, तो वुड एप्पल ये एक भी फ्रूट क्रॉप है, तो वुड एप्पल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो फेरोनिया लिमोनिया, अर्थात फेरोनिया लिमोनिया जो होगा वो आपका वुड एप्पल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट विल बी फार्मेड अपॉन शेल्फिंग ऑफ AA BB, ये जो दिया है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, तो ये आपका गैमेट बनाने का जो एक तरीका होता है वो काफ़ी आपको हम यहाँ देखिए बना हुआ है, जैसे आपका ये AA है, ए ए, इसके बाद इसमें आपका गैमेट बन रहा है BB, तो BB यहाँ भी आप कर देंगे बी, यहाँ भी आपका बी, उसके बाद आपका CC, तो इसमें CC, तो ये आपका क्या नाम का गैमेट बन जाएगा, और टोटल गैमेटों की संख्या कितनी बनेगी इसमें, तो ये ऑप्शन में, तो ये आप बना के देख लेंगे किस हिसाब से गैमेट बनाया जाता है, और ये 8 होगी, इसमें जो सही आंसर 8 है, तो आप इसको देख सकते हैं।
गैमेट बनाने का जो सबसे आसान तरीका है, ए ए आप इस तरीके से, फिर इसमें आप दो बी बी स्मॉल बी, इसमें आपका कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर यहाँ आप जब बनाएंगे तो आपका सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल सी स्मॉल सी, इस प्रकार से ये आपके दो चौकाठ अर्थात आठ गैमेट बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट क्रॉस पॉलिनेटेड, जैसे कि सब जानते हैं राइस जो होता है, राइस हुआ, वीट हुआ, पी हुआ, ये सब क्या है आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। उसके बाद जीन हैविंग स्मॉल इफेक्ट इफेक्ट ऑन क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, उसको क्या बोला जाएगा, पॉलीजीन इनहिबिटरी सप्लीमेंट्री रिसेसिव, तो इसको क्या बोला जाता है आपका पॉलीजीन, जीन हैविंग स्मॉल इफेक्ट ऑन क्वांटिटेटिव ट्रेट्स अर्थात क्वांटिटेटिव ट्रैप्स पे जब स्मॉल इफेक्ट होता है जिस जीन का उसको क्या बोला जाता है पॉली जीन। उसके बाद द कंडीशन ऑफ विच जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन इज डिफरेंट लोकस, इसको क्या बोला जाएगा, देखिए ये एक डिफिनीशन है एपिस्टैटिस की, व्हेन वन जीन जब एक जीन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को बदल देती है अर्थात चेंज कर दे, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या है चेंज कर दे, प्रभावित करे, उसको क्या बोला जाता है एपिस्टैटिस। और प्लियोट्रॉफी, एक क्वेश्चन ये भी बीच में पूछा जाता है प्लियोट्रॉफी अर्थात प्लियोट्रॉफी, वन वन जीन गवर्न मोर देन वन कैरेक्टर, जब एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर गवर्न करता है तो उसको प्लियोट्रॉफी बोलते हैं, लेकिन जब एक जीन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करे उसको क्या बोला जाएगा एपिस्टैटिस। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे आपका एपिस्टैटिस में आपका कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, सप्लीमेंट्री हुआ, इनहिबिटरी हुआ, पॉलीमेरिक हुआ, ये सब। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ओरिजिनेटेड इन चाइना, सेंटर ऑफ ओरिजिन, इसका हमने वीडियो में पूछा भी था कि चाइना ओरिजिन का कौन है, इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन एक बनाया भी है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इसमें सोयाबीन पूछा गया, तो सोयाबीन की ओरिजिन चाइना है, और पोटैटो पोटैटो की ओरिजिन भी पूछी जाती है तो वो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ऐसे करके ऑप्शन पूछा जाता है, तो साउथ अमेरिका ओरिजिन ऑफ पोटैटो है। उसके बाद स्वर्ण इज द पॉपुलर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ, स्वर्ण किसकी हाई यील्डिंग वैरायटी है, तो इसमें आपका सोरघम राइस, तो इसमें जो है स्वर्ण राइस ऑप्शन दिया गया है सही, सोरघम की भी कहीं कहीं मिलती है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। उसके बाद नेचुरल मैकेनिज्म प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेटेड इन पियर मिलेट ऑफ बाजरा, पियर मिलेट या बाजरा में, तो जो इसको क्या बोला जाता है प्रोटोगायनी और प्रोटेंड्री, दो सिस्टम होता है, प्रोटोगायनी, गायनी अर्थात आपका गायनोशियम हुआ, और प्रोटेंड्री अर्थात एंड्रोशियम हुआ, तो जब गायनोशियम की वजह से क्या नाम का आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो तो उसको क्या बोला जाएगा प्रोटोगायनी, जो पियर मिलेट अर्थात बाजरा में होता है। उसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन सीड एक्ट 1966 में आया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा गया था। उसके बाद कंडीशन ऑफ विच ऑफ द क्रोमोसोम इज डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन ट्रिप्लॉयड, तो इसको ट्राइसोमिक 2n+1, इसको ट्राइसोमिक, और अगर 2n+2 है तो आपका टेट्रासोमिक हो जाएगा। उसके बाद मोनोसोमिक 2n-1, और क्या नाम का नलिसोमी 2n-2, तो ये चार हमेशा कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन इज ए, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस, ये चार ऑप्शन पूछे गए थे, तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आरएनए सिंथेसिस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोजली लोकेटेड जीन गेट सेपरेट ड्यू टू, अर्थात जब क्लोजली रिलेटेड जीन होते हैं वो सेपरेट किसके कारण होते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण होते हैं, इसको हमने वीडियो बनाया था एक मिसोसिस मियोसिस और मिटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हमने बताया था कि जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर होता है पैची टीन स्टेज में, ये कभी अभी जैसे क्रॉसिंग ओवर पूछा गया है ये पूछा जाता है किसी स्टेज में भी पूछ लिया जाता है, तो पैची टीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है और होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद द एविडेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रिप्लेसमेंट ऑफ डीएनए वाज प्रूव्ड बाय, तो ये मॉलेसन एंड स्टेल। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये द फैट फाउंड इन टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क और डबल टोन्ड मिल्क, तो इसमें कितने परसेंट फैट की मात्रा पाई जाती है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको देख लेंगे। लोएस्ट फैट इन मिल्क ऑफ होलस्टीन फ्रीजियन साहिवाल जर्सी रेड डेन, तो
तो लोएस्ट फैट्स किस में पाया जाता है, तो होलिस्टीन फ्रीजियन सबसे ज़्यादा दूध देती है, और जो गाय जिस सबसे ज़्यादा दूध देगी उसमें जो होगा आपका फैट की मात्रा सबसे कम पाई जाएगी। उसके बाद ग्लूकोफास्फोप्रोटीन इज इन मिल्क कार, अर्थात ग्लूकोफास्फोप्रोटीन मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है, तो उसको क्रेसीन बोला जाता है, तो इसका सही आंसर होगा केसीन। उसके बाद स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क रिजल्टिंग किलिंग बैक्टीरिया ऑफ स्टेंट, तो स्टरलाइजेशन जो किया जाता है वो 100% जब 100% टेम्परेचर पर किसी चीज़ को आप गर्म करते हैं, चाहे वो पानी हो या कोई भी चीज़, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्टरलाइजेशन। उसके बाद मेस्टेटिस इज ए डिजीज ऑफ, मेस्टेटिस जो है एक बैक्टीरियल डिजीज, और ये किसकी है, तो ये अडर अर्थात आयन की, काऊ के आयन मेस्टेटिस अर्थात थनैला रोग बोला जाता है। मेस्टेटिस रोग बैक्टीरियल डिजीज है जो गाय के थन में होता है, अडर अडर में होता है। उसके बाद पिगलेट एनीमिया इच कर्व्ड बाय सप्लीमेंट्री ऑफ, तो एनीमिया जो होता है वो आप जानते हैं, एनीमिया किसके कमी कारण होता है, आयरन कमी कारण, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे किसी में, उसमें अगर एनीमिया के लक्षण प्राप्त हो रहे हैं तो वो आयरन की डिफिशियंसी है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ ईटीटी पूछा गया है, तो ईटीडी का फुल फॉर्म होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो जो है हम इसका जो अगर किसी को पीडीएफ रूप में चाहिए तो उसको हमारा जो टेलीग्राम है चैनल है ग्रुप है उस ग्रुप में अगर आप ऐड होंगे तो उसमें हम ये आपको डाल देंगे पीडीएफ रूप में, इस वीडियो का जो ये है इमेज वो पीडीएफ रूप में हम ये पेपर उस चैनल में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, उसके द्वारा आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काऊ एंड बुफेलो आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ड्यूलैप, तो काऊ और बुफेलो में जो डिफरेंस पाया जाता है वो ड्यूलैप के कारण पाया जाता है। उसके बाद हाई अमाउंट ऑफ फॉडर इन डाइट काऊ प्रोड्यूस मोर ऑफ एस्टिक एसिड, अगर हाई अमाउंट ऑफ फॉडर इन डाइट आप काऊ को दे रहे हैं तो वो एस्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कंसंट्रेशन फीडिंग में काजेज, तो हाई कंसंट्रेशन फीडिंग में काजेज क्या कहेगा, नाइट्रेट पॉइजनिंग, ब्लोट, डायरिया, तो वही चीज़ है, सेम दोनों वही चीज़ पूछा गया है, जो यहाँ क्वेश्चन था वही रिपीट हुआ है, तो जो होगा वो क्या होगा आपका, एसिडोसिस, अर्थात अगर हाई कंसंट्रेशन में फीडिंग कर रहा है पर, तो उसको एसिडोसिस अर्थात एसिड अम्ल की मात्रा उसके जो है पेट में ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो एसिड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगमैन परचेट लाइक फियर विंग आर फाउंड, तो क्रिकेट्स में पाया जाता है ये क्वेश्चन, वीडियो का ये जो था वो काफ़ी क्लियर नहीं था, तो ये क्रिकेट में पाया जाता है। इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन है, वेयर मैंडिबल आर फ्लैटेंड, अर्थात मैंडिबल किस में फ्लैटन प्रकार के पाए जाते हैं, तो पॉलन फीडिंग, एंट लॉयन, प्रीडेशियस बीटल एंड ग्रास हॉपर, तो पॉलन फीडिंग अर्थात जो आपकी मधुमक्खी होती है वो पॉलन फीडिंग कर का काम करती है, और उसमें जो मैंडिबल पाए जाते हैं वो फ्लैटन टाइप के होते हैं, फ्लैट अर्थात चौड़े होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाइटिंग चीमोस्टरलियंट, तो मेटाफॉक्साइट, तो ये आपका मेटाफॉक्साइट जो होगा आपका ये एल्कलाइनिक चीमोस्टेरोलिएंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है, ग्रेसी स्टन डिजीज ऑफ राइस किसके कारण होता है, तो ब्राउन प्लांट हावर के कारण आपका ग्रेसी स्टन डिजीज राइस में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉली लेटिक डिस्क्राइब अर्थात पॉलीलेक्टिक डिस्क्राइब क्या होता है, तो पॉलिनेशन इंसेक्ट दैट विजिट प्लांट में बी मेनी टेक्सा, इसको पॉली इलेक्ट्रिक बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट फार्माफोर्जिन ऑफ मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, तो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो इंसेक्ट में पाई जाती है उसका करेक्ट ओरिजिन क्या है, तो वो है ट्यूबल्स एराइज फ्रॉम जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, तो ये जो है हाइंडगट और मिडगट जैसा कि तीन भागों में डिवाइड किया जाता है इंसेक्ट के जो पार्ट होते हैं, तो उसमें ये पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज डिराइव फ्रॉम सॉयल बैक्टीरियम, कौन सा इसमें से इंसेक्टिसाइड है जो सॉयल बैक्टीरिया के द्वारा
आपका सिंथेसाइज किया गया है तो वो आपका फिप्रोनिल हुआ। फिप्रोनिल जो हुआ वो आपका सॉइल बैक्टीरिया से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक पैरासिटाइड, इसमें से कौन सा एक पैरासिटाइड है, तो आपका चिलोनस स्पीसीज जो होता है वो आपका एक पैरासिटाइड है। उसके बाद नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो आपका दिल्ली में है, NCIPM, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपका दिल्ली में है। उसके बाद इन हनी बी वैक्स इज सिक्रेटेड ग्लैंड, अर्थात हनी बी में वैक्स का जो सिक्रेशन होता है वो किस ग्लैंड के द्वारा होता है, तो फोर पेयर ऑफ वैक्स ग्लैंड, मतलब उसके जो फोर पेयर होते हैं वैक्स ग्लैंड उसके द्वारा इसके सिक्रेट होता है वैक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द मोस्ट माइनर होस्ट ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस ऑफ लाइक इंसेक्ट, तो पीपल माइनर इंपॉर्टेंस ऑफ लाइक इंसेक्ट, अर्थात लाइक इंसेक्ट जो होते हैं वो उसके लिए कौन से इसमें से एक माइनर होस्ट है, अर्थात हैबिटेट है उसका, रहने का स्थान है। तो पलाश में बहुत तेज़ी आपके लाइक इंसेक्ट होते हैं, उसके बाद बेर में भी होते हैं, कुसुम में भी होते हैं, लेकिन पीपल में जो होता है वो लाइक इंसेक्ट नहीं पाए जाते, लाइक इंसेक्ट होस्ट के रूप में पीपल को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद ये क्वेश्चन है, क्लियर नहीं है ये वीडियो काफ़ी, तो ये आपके 101 क्वेश्चन थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन अभी इसमें बच गए हैं। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा जो चैनल है हिस्ट्री फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम, उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।